आज इस वाली ड्राइंग बनाएंगे पेंसिल शीट से। इसके लिए सबसे पहले जैसे कि हम बॉर्डर बनाते हैं जिससे कि हमारा एरिया फिक्स हो जाए, ये ड्राइंग को क्लियर करते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जैसा लीफ का शेप इसमें लिया हो वैसे थोड़ा बहुत आपका चेंज भी हो जाए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारा जो फ्लावर है वो कंप्लीट दिखना चाहिए और अच्छा दिखना चाहिए। ये लाइंस है, इसको अंदर ले लेंगे तो ये देखेंगे आप अपने आप डेप्थ इसमें नज़र आने लगेगी। जितनी भी हम शेड्स देंगे उससे हमारी डेप्थ आ जाएगी। इस तरीके से हमारी ड्राइंग तो कंप्लीट हो गई है। अब इसकी शेडिंग स्टार्ट करेंगे तो इसमें नीचे इसमें जहाँ तक ही देते जाएंगे वहाँ से डेप्थ आती जाएगी। जैसे जैसे हम इस तरीके से शेड्स देना स्टार्ट करेंगे तो ये फ्लावर की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो दिखने लगेगी। जैसे जैसे हम शेड्स यहाँ पर देंगे तो इसकी टर्निंग्स दिखने लगती है। जैसे हम ये वाली लाइन करते हैं और लीफ को शो करते हैं तो लीफ की जो टर्निंग्स है, इससे भी लीफ की टर्निंग शुरू होती है। इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको और इसको यहाँ पर टर्न होते हुए दिखाएंगे तो ये लीफ की जो टर्न है वो दिखने से और शेड से लीफ हमारी टर्न होते हुए दिखने लगेगी। जैसे ये वाली लाइन है, इसको हमने शेप किया और यहाँ तक ले गए। ये वाली जो लाइन है इसको नीचे तक लेके गए और यहाँ से ये जैसे एक एक लीफ इसकी जो पेटल्स हैं उसको शो किया।
जहाँ पर भी दो लाइन होती है उनके दिखाने के लिए शेडिंग करनी पड़ती है, जिससे कि वो दोनों चीज़ें अलग दिखने लगती हैं। थोड़ा सा मैं इसको हाथ से भी मैश कर रही हूँ। जहाँ टर्निंग्स हैं वहाँ पर थोड़ा सा शेड देंगे, जिससे कि टर्निंग्स हमारी और क्लियर हो जाएं। इसी तरह हम लीफ में भी शेड करेंगे।
इस तरीके से हमने ये फ्लावर बना दिया है। अब इसका बैकग्राउंड तैयार करेंगे। उसके लिए सिर्फ अपन को जो लाइन्स हैं वो चूज़ करना है कि हमको किस टाइप से लेना है। तो या तो अपन ये लाइन्स डाल दें, अब लाइन्स अपन चूज़ करते जाएंगे कि हमको कैसे लेना है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जैसी इसमें है वैसी ही लेना है। रैंडमली लेते चलिए। उसके लिए हो सकता है आपको टर्न भी करना पड़े जैसे कि मैंने किया हुआ है लाइनिंग्स के लिए। इसको शीट को आपको बार बार टर्न करना पड़ेगा कि आपको लाइनिंग्स कैसी लेना है उसके लिए। तो इसी तरीके से जितनी भी लाइनिंग्स हैं इनको कंप्लीट करते चलिए।
जहाँ जहाँ हमारी ये डिज़ाइन है वहाँ तक हम कोई लाइंस करनी ही पड़ेंगी, जिससे कि हमारा जो फ्लावर वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ तक करने से हमारी ये लाइंस क्लियर हो गई, जो ये ड्राइंग थी यहाँ तक ये क्लियर हो गई है, ये हमारी ड्राइंग क्लियर हो गई। अभी हमारा इतना एरिया बचा हुआ है और ये जो लीफ वाला पार्ट है ये भी बचा हुआ है। इतना हमारा लीफ का पार्ट भी क्लियर हो गया। अब हमारे ये वाला लीफ का जो पार्ट बचा हुआ है इसे हमें क्लियर करना है। जैसे जैसे हमारा पोर्शन क्लियर होता जाएगा इधर हमारा इतना ये लीफ क्लियर हो गई है, अब हमारा ये वाला पार्ट बच रहा है।
ये पोर्शन हमारा क्लियर हो गया। अब हमारी ये लीफ और ये लीफ बची हुई है जिसको हमें क्लियर करना है। ये भी हमारी क्लियर हो गई। अब सिर्फ हमारी ये लीव क्लियर करने को बची हुई है हमको। इस तरीके से हमारी ये सभी जो डिज़ाइन थी वो क्लियर हो गई है। मेनली हमारा जो पार्ट है वो ये ही है कि हमारी जहाँ तक डिज़ाइन है उसको हमें क्लियर करना है। और मैं थोड़ी सी लाइंस और दे दे रही हूँ जिससे कि हमारा इस तरीके से हमने ये देखे और इसको हमने फिनिश कर दिया।